एक आदमी रात के समय अपने घर जा रहा था। रास्ते में चलते चलते अचानक से एक आवाज़ आई, ठहरो। आवाज़ सुनकर वह रुक गया। उसने पलट कर देखा मगर कोई उसे नज़र नहीं आया। वह वापस फिर अपने रास्ते में चल दिया। आवाज़ दोबारा उभरी, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। वह व्यक्ति फिर रुक गया। वह जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते के एक तरफ दूर तक घनेरे वृक्ष लगे हुए थे। आवाज़ वहीं से आ रही थी। उस व्यक्ति ने उन्हीं घनेरों वृक्षों की ओर दृष्टि दौड़ाई। तभी फिर से आवाज़ आई, घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रोका गया है, बल्कि इसमें तुम्हारे फायदे की ही बात है। तुम कौन हो, उस व्यक्ति ने पूछा। यह सवाल अभी मत करो, पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। फिक्र मत करो, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे सामने भी प्रकट हो जाऊंगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुभाष गौड़ है। सुभाष, ध्यान से देखो उस जमीन को जो तुम्हारी आंखों के सामने है। उस जमीन के किसी एक हिस्से पर तुम्हें कुछ चमकता नजर आएगा। उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे करने को कहा गया, यानी उसने अपनी आंखों के सामने वाली जमीन पर नजर दौड़ाना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र जमीन के एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वह झट से उस चमकते हीरे की ओर भागा। जब वह हीरे तक पहुंच गया तो उससे कहा गया, यह चमकती हुई चीज हीरा है, तुम उसे उठा लो, फिर इसके नीचे की जमीन की सारी मिट्टी खोद डालो, तुम्हें जमीन के नीचे से बहुत सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। सुभाष प्रसन्न हो गया। उसने चमक रहा हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर जल्दी जल्दी वह वहाँ की जमीन से मिट्टी खोदने में जुट गया। लगभग 2 फुट गहरी मिट्टी खोदने के बाद वह बुरी तरह डर गया और चीख मारकर अपना स्थान छोड़ने को विवश हो गया, क्योंकि गड्ढे में बहुत ही डरावना चेहरा दफन था। शायद किसी ने गर्दन काटकर सर वहाँ दफन कर दिया था। गड्ढा खुद जाने के बाद वह कटासर हवा में उड़ने लगा। उसने सुभाष से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें इतने सारे हीरे जवाहरात दूंगा कि तुम्हारी नस्लें दर नस्लें घर पर बैठकर खाएंगी। उसकी बातों से सुभाष के मन का भय थोड़ा सा खत्म हो गया, मगर उसे घबराहट बराबर हो रही थी। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं जिस तरफ चलूँ तुम उसी तरफ मेरे साथ आना, ठीक है, सुभाष ने कहा। और फिर वो डरावना चेहरा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। सुभाष भी उसके साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलता रहा। लगभग 1 किलोमीटर तक चलने के बाद कटासर रुक गया। सुभाष भी रुक गया। उसने सुभाष से कहा, इस जगह की मिट्टी खोद लो, हीरे जवाहरात यहीं गड़े हुए हैं। अच्छा, सुभाष खुशी से उछलकर बोला। फिर उसने जल्दी जल्दी वहाँ की मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी खोदते खोदते उसे वहाँ से हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, मगर सरकटा धड़ अवश्य नजर आ गया, वो भी बहुत डरावना। उसे देख सुभाष चीख कर अपना स्थान छोड़ वहाँ से दूर हो गया। तभी हवा में ठहरी उस डरावनी शक्ल ने कहा, डरो मत, यह मेरा शरीर है। सुभाष सूखे पत्ते की तरह थर थर काँप रहा था। अब तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अब एक प्याला कहीं से खून और लेकर आओ। एक प्याला खून, वह भयभीत स्वर में बोला, मैं कहाँ से लाऊं, कहीं से भी, यह काम मेरे बस का नहीं है, उसने साफ इनकार कर दिया। यह काम तो तुम्हें हर कीमत पर करना ही होगा, वरना फिर तुम्हें हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे। सुभाष सोचने पर मजबूर हो गया, सोचो मत, काम को जल्द करो। मगर एक प्याला खून लाऊं कहां से, आओ मेरे साथ। डरावना चेहरा सुभाष को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। वो दोनों वहां से काफी दूर आ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है। उसी समय डरावनी शक्ल ने कहा, इस आदमी का खून ले लो, मगर कैसे, इसके शरीर का कोई भी अंग काट दो, लेकिन यह मुझे देख लेगा, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो पुलिस में मेरी रिपोर्ट कर देगा और मैं फंस जाऊंगा। तो फिर एक काम करो, क्या, इसे जान से मार दो,
नहीं नहीं, सुभाष डर गया। क्यों? यह मुझसे नहीं होगा, कोशिश करो सब होगा। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। तुम्हें इसे मारना ही होगा। मैं किसी कीमत पर इसे नहीं मारूंगा। अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ध्यान रखो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा कि पूरे जीवन बैठकर रोओगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता, सुभाष गिड़गिड़ाते हुए बोला। जल्दी करो सुभाष, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाए। पर तुम एक प्याला खून का करोगे क्या? मैं एक प्याला खून के बगैर जीवित नहीं हो सकता। मुझे जिंदा होने के लिए एक प्याला खून की हर कीमत पर जरूरत है। सुभाष सोचने लगा। देर मत कर मूर्ख, डरावनी शक्ल ने क्रोधित स्वर में कहा, जल्दी जाकर उसे खत्म कर। इसी के साथ डरावने चेहरे ने जादू से सुभाष को एक खंजर और एक प्याला दिया। खंजर संभाल सुभाष उस व्यक्ति की ओर बढ़ा जो रास्ते से वहां गुजर रहा था। शीघ्रता के साथ सुभाष ने उस व्यक्ति का गला काट उसे खत्म कर दिया। इसके घाव से बहते खून का प्याला भर हुआ डरावनी शक्ल के पास गया। डरावना चेहरा प्रसन्न होकर उसे अपने साथ वापस अपने शरीर के पास ले गया। वहां पहुंचकर बोला, इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। इसके कहे अनुसार सुभाष ने खून उसके शरीर पर उड़ेल दिया। इसी के साथ साथ शरीर उड़कर खड़ा हुआ और तुरंत कटी गर्दन उस पर जुड़ गई। वह तो एक भूत तैयार हो गया था। अब सुभाष की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। उस भूत को देख वो बहुत घबराने लगा था। भूत ने उसका उपहास उड़ाने जैसा मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा, साथ ही डरावने ढंग में कहा, खून का एक प्याला मुझ पर उड़ेल कर तूने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की मौत को दावत दे डाली है। इतना सुनकर सुभाष के शरीर से पसीना आना शुरू हो गया। वह तुरंत अपना स्थान छोड़कर वहां से भाग गया। उसी समय उछाल भरकर भूत ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो तेरा मांस खाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे छोड़ दो। मार सकता हूँ तुझे, क्योंकि तूने ही तो मुझे एक प्याला खून का दिया था। ना तू मुझे एक प्याला खून का देता और ना ही मैं जिंदा होता। अब तो तुझे मरना ही होगा। इसी के साथ भूत ने अपने नुकीले दांत उसके गले में घुसाकर उसे वहीं खत्म कर दिया। फिर वह बारी बारी उसका शरीर को जगह जगह से उधेड़कर खाने लगा। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।